हमारा देखेगा तो पूरा मुझ जाएगा, लेडीज फेडीज किससे मानेगा, मुंह में मुझ देगा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, दिल खराब हो गया। अरे दो पांच सौ दिल खराब हो गया। अरे तो मेरा रंग 16 है, उनका भी रंग 16 है, तो क्या दोनों एक साथ बिहार लेके आप तमिलनाडु लोग का अच्छा है। अरे पागल हो रहे क्या यार, मुंह से फूकने से भर जाएगा ना। अरे मौसी का बाकी हल है तो कितना मौसी देखा लिए जी, मुंगेर वाली मौसी। हाँ। यशवंतपुर भागलपुर अंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। जय हिंद, कैसे हैं आप सब। स्वागत कर रहा हूँ आपका बेंगलोर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से, और आज हम यहाँ से जाएंगे भागलपुर। यशवंतपुर और भागलपुर के बीच चलने वाली एक साप्ताहिक ट्रेन, काफी डिमांडिंग ट्रेन 12253 अंग एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। फुल जर्नी फ्रॉम यशवंतपुर टू भागलपुर। ये गाड़ी चलती है भागलपुर के लिए यशवंतपुर से शनिवार को दोपहर 1:30 बजे यहाँ से चलेगी, और लगभग 2465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 43 घंटे 45 मिनट यानी लगभग 44 घंटे बाद भागलपुर पहुँचेंगे हम सोमवार को, यानी तीसरे दिन सुबह 9:15 बजे। देख अरे भैया देखिए, बोलते बोलते सब्सक्राइबर मिल चुके। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, यही गाड़ी जा रहे हो? जा रहे हम, अम्मी जा रहा मेरी। अम्मी आपकी जा रही है कहाँ? भागलपुर। ओ तब आपकी अम्मी कौन सीट पर है? ये B6 में है। ओ हम भी इसी गाड़ी जाएंगे भागलपुर तक। आपका यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं भाई। जोर से बोलिए महाराज। आपका यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं। अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं। इस बार ही बना रहे हैं आपका ये डिमांडिंग ट्रेन यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस। वीडियो छोड़िएगा, हम भी देखूंगा। हाँ तो नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे बना क्यों रहे हैं। दोस्तों मेरी जर्नी स्लीपर में होने वाली है, S2 कोच है, चलिए शुरू करते हैं सफर को। ये भाई मिल चुके हैं, इरशाद भाई, इसकी अब भागलपुर के हैं। हम तो मुंगेर के हैं लेकिन जाएंगे भागलपुर तक। नाथनगर के हैं। चलिए जय मंदिर। हाँ जय मंदिर नाथनगर। अच्छा आप नाथनगर के हैं। ये भाई भागलपुर के नाथनगर के हैं, जो कि भागलपुर से लगभग एक ही स्टेशन पहले आता है ना वो। हाँ चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर यदि अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है इस यशवंतपुर से भागलपुर के बीच चलने वाली स्लीपर कोच का इंटीरियर। साफ सफाई देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और भीड़ उतना ही अच्छा है। दोस्तों ये गाड़ी सालों में 12 मास इस ट्रेन में भीड़ रहती है, अभी तो फिर भी कुछ खाली है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन चलेगी भीड़ बढ़ता ही जाएगा। तो फाइनली हमारी ये यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस चल चुकी है यशवंतपुर से ऑन टाइम 1:30 बजे यशवंतपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। अच्छा दोस्तों इस गाड़ी में 1 महीना पहले टिकट बुक करने के बावजूद भी मेरी टिकट पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। मेरा जो टिकट है वो RAC में ही रह गई है, यानी आधा सीट मेरा और आधा सीट किसी और का। सफर का खत बने रहिएगा, कोई है क्या? और ये भाई भी जाएंगे भागलपुर तक। आप भागलपुर से कहाँ से हैं? पीरपैंती। भागलपुर से जाइएगा आगे यशवंतपुर जंक्शन। और हमारे रन ऑन ट्रैक के फैमिली के मेंबर मिले हैं, आपका नाम भैया? राजा। राजा भाई मिले हैं कहाँ? भागलपुर तक। और ये भाई भी जाएंगे भागलपुर तक लास्ट तक। 44 घंटे का सफर, बोर नहीं हो गए? बोर कैसे होंगे भैया, थोड़ा बहुत मेंटेन एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सीट कंफर्म है ना? एकदम कंफर्म है। हाँ तब ठीक है। कल गाड़ी कल नहीं, समोसा बन के रख ले, आज 1:30 बजे खुलते तब निकलते है। नहा के चढ़ ली गाड़ी में, कल से तो लगे नहीं नहीं। बेकार का पानी वेस्ट मत इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरा भर जाएगा ना, तो पूरा इसका पानी वहीं लगा पड़ेगा। नहीं पानी वैसे भी वेस्ट निकालना चाहिए, चाहे ट्रेन का हो चाहे अपने घर का हो। लेकिन सही से ना धो तो कैसे नहीं भाया? सही बात है भैया, दीदी सही बात है। हम नहीं हम मेरा बोलने का सिर्फ एक ही मतलब था, यदि ये बेसिन भर जाएगा ना तो ये पानी बाहर जाएगा, और जो वहाँ गेट के पास बैठे हुए ना उन लोगों को दिक्कत होगा। और अंदर धो क्या? नहीं अंदर देखिए, अब आपके ऊपर है ना, अंदर सिचुएशन है धोने का। हाँ है, ठीक है आपके। नहीं नहीं मेरा ये मतलब, मेरा मतलब वो नहीं है। अरे मैं समझती हूँ, कुछ दिक्कत होगा क्योंकि गाड़ी में अंदर इतना भीड़ है। ओ दीदी भैया सब, आपके जैसे दीदी को बहुत दे दिया है, कितना लूटिएगा हम लोगों को।
छक्का को कौन दिया है वो छक्का? बदमाशी की छक्का मत बोलिए, किन्नर बोलिए। सभी लोग आदमी मारने को 10-20 रुपए देते हैं। नहीं तो छक्का मत बोलिए, उन लोगों को किन्नर बोलिए। लीजिए ठीक है, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? आशीर्वाद कहाँ किया? ये बोला है कि हिंदी में भी लिख के रखिए, समझ लीजिए दीदी। ये बोला है कि हिंदी में भी लिख के रखिए, क्योंकि इसमें अपना तो अंग्रेजी नहीं जानता है और कंट्रा किसी को पढ़ने नहीं आता है। माई हस्बैंड वाज डेली लेबर ड्यू टू एन एक्सीडेंट, बैक बोन फ्रैक्चर। बच्चे का नाम क्या है? मेघना। आपको नहीं देंगे, इसको देंगे। हेलो मेघना, बच्चे को पढ़ाई अच्छा से, कहा ये सब काम कर रहे हैं आप? हम लोग स्टूडेंट है। स्टूडेंट और अपना नहीं करते वो देते थे मुंह में लेकर। आशीर्वाद दीजिए पहले। देंगे देंगे देंगे। करता वो ये देंगे किया है। हसन है के आर पुरम। ये हमारी यंग एक्सप्रेस की पहली स्टॉप जो कि है के आर पुरम या फिर कृष्णा राजपुरम, जो भी बोलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये बेंगलोर का, बेंगलोर के अंदर ही आता है। चार प्लेटफॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है साउथ वेस्टर्न जोन के बेंगलोर डिवीजन का। यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी लोग इस स्टेशन में बोर्ड कर रहे हैं। जो भी ये ट्रेन खाली थी यहाँ पूरा पैक हो जाएगी। इस गाड़ी का यहाँ सिर्फ एक मिनट का स्टॉप है। और ये कि इसका जानते हैं पानी भी भर गया ना, बड़ा दिक्कत होता है एकदम, जब ट्रेन चलती है ना तो अच्छी लगता है पानी। आदमी से ज़्यादा तो इस गाड़ी में सामान है, सच बोल रहे हैं। खासियत है ना, इतना सामान है भैया पूछिए मत। इतना साल के बाद आप लोग लौट रहे हैं बिहार? कितना साल के बाद आप लोग जा रहे हैं बिहार? बिहार 21 महीना, 2 साल लगभग। जाने दें इनको, जाने दें। ससारिया ना, ससारिया जाइए आप लोग, आगे जाइए। यहाँ भी मतलब आप खुद मास्क पहने, इनको मास्क नहीं पहना है, जबकि बच्चा लोग का इम्यूनिटी पावर कम रहता है। सही है, इनको मास्क नहीं है, इतना भीड़ में अंतर नहीं लगाती है। पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा ना इस साला। एवर किजन पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा ना इस साला। अरे जियो जियो, खाना खाइए पहले, आप खाना खाइए, आपको दे रहा पैसा। हाँ पहले आप खाइए ना, पहले आप खा लीजिए। हाँ लीजिए, चलिए भैया केला खाइए। और झुकिएगा नहीं, हाँ झुकिएगा नहीं, किसी का आगे नहीं, एक का आगे जरूर झुकिएगा, वो भगवान के आगे। तीन लोगों दे चुके ऑलरेडी, समझे मेरे पास नहीं है दीदी मोती, जो भी था जानते हैं, खुला सब ले लिए वो लोग, जबरदस्ती ले लिए। बराबर करो ये बढ़िया बात, दे दे रहा है तुम आओ, इस पे मत मारो फोन दे दे। क्या हुआ और सामने अच्छे से बोल रहा मैडम, मैं ज्यादा ना लोग 10-10 रुपए प्रेयर से मांग रहे हैं ना, उसका से लगा लगा लगा। आपसे जानते हैं पहले 3-4 को आ चुके हैं, समझे मौसी? और हम लोगों को मालूम है बेटा, आप तमिलनाडु लोग का अच्छा है। अच्छा दोस्तों, यदि बात करूं इस यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस के किराए के बारे में, तो इसका किराया है फ्रॉम यशवंतपुर टू भागलपुर जर्नल का किराया है, जर्नल का किराया है 540 रुपये। स्लीपर जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूं, इसका किराया है 870 रुपये के आसपास। थर्ड एसी का किराया है 2,270, सेकेंड एसी का किराया है 3,300। और इस गाड़ी में पहले फर्स्ट क्लास नहीं था, अब अटैच कर दिया गया है, जिसका किराया है 5,640। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी है, ऑन बोर्ड कैटरिंग भी है और ऑनलाइन खाना भी आप इस गाड़ी में मंगा सकते हैं। और इस गाड़ी को बहुत ज़रूरत है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का, क्योंकि ये गाड़ी सबसे चलती है एक दिन, जिसके कारण इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कम से कम 2-3 दिन तो इस ट्रेन को होना ही चाहिए। आपके अनुसार इस गाड़ी का फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी हफ्ते में चलती है एक दिन, इसके कारण इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, है कि नहीं? और एक बात है कि भागलपुर से दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेन है, लेकिन भागलपुर से बेंगलोर के लिए सिर्फ यही ट्रेन है, और साउथ के लिए भी यही ट्रेन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलोर ट्रेन है ना, इसलिए इतना ज्यादा भीड़ होता है, ज्यादा भीड़ होता है। तो कम से कम इसका फ्रीक्वेंसी को सरकार से बढ़ा देने का, है कि नहीं? दो से तीन दिन कम से कम इस गाड़ी को होना ही चाहिए। हाँ तो सपोर्ट कीजिएगा। आपका नाम, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आसनसोल। आसनसोल, मेरा भी घर आसनसोल में। कौन सा काम है? चित्रंजन में। चित्रंजन में, तो भैया आपका नाम क्या हुआ? अमर। अमर,
ये अमर भैया हैं, ये जा रहे हैं चितरंजन जहाँ बनता है रेल का इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अरे खाइए ना, खाइए ना, खाइए खाइए खाइए, प्यार से खा रहे, खाइए। मैं देखता हूँ, इधर मेरा रंग 16 है, इनका भी रंग 16 है, तो क्या हो, दोनों एक साथ लेके हाँ, चलिए मैं बिहार लेके। कितना आवाज करेगी ये भैया, ये भैया काले नक्को जी, मैं आवाज नहीं किया भैया, ये माँ कमा किया, मैं आपसे गलती किया ना, गलती नहीं, कौन गलती है, मैं गलती किया, माँ कमा किया, मैं नहीं गलती, मैं नहीं गलती, ऐसे नहीं पहने, ये पापा को इधर गुवाहाटी का, मैं गुवाहाटी 200 रुपए दिया, कमा किया 200 रुपए के अंदर में 500 आएगा, मैं नहीं देखता है, ये रखे गए, अरे दो दो दिल खराब हो गया, अरे दो 500 में दिल खराब हो गया, अरे दो 500 में दो, अरे भैया आप किसी का दिल मत खराब कीजिए, 200 रुपए का आएगा, इधर देख 200 रुपए का, इसमें मांगते 1000 रुपए दिया, चलो तो का नहीं कसम है, पागल मार, अरे दो बहुत है आपको मार, अल्लाह नहीं भैया, अल्लाह को मत बुलाओ, साथी बोला आपको क्या चाहिए, बच्ची को मुंह में मास्क लगाइए, आप मास्क लगा ली, इनको मास्क मास्क दिन है, क्या खाएंगे, भूख लगा, हम खाता, हम भी खाएगा, हम भी इंसान, एक दिन हम भी खाएंगे, नहीं नहीं हाँ थैंक यू, धन्यवाद आपको, जाइए आप जोलार पेट्टे जंक्शन, आइए आइए। यशवंतपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये भीड़ भाड़ वाली अंग एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तमिलनाडु के रानीपेट जिले का जोलार पेट्टे जंक्शन, तमिलनाडु में हम आ चुके हैं और ये गाड़ी यहाँ रुकेगी 5 मिनट। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि बेंगलोर की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे काठपाड़ी की ओर, इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है ये सेलमी रोड कोयम्बटूर के रास्ते एर्नाकुलम की ओर, काफ़ी अच्छा खासा जंक्शन है ये जोलार पेट्टे जंक्शन। अरे फारूक भाई आप ही हैं, अच्छा आप ही कमेंट किए थे ना, तो दोस्तों हमारे रेल रन ऑन ट्रैक फैमिली के मेंबर आए हैं हमसे और आपसे मिलने के लिए, दो शब्द बोलिए फारूक भाई। हाँ वो तो है यार, बोलिए कुछ बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे, आपके वीडियो देखते हैं तो आपसे मोहब्बत भी करते हैं। अरे हमसे मोहब्बत मत कीजिए आपसे नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं सही बात है, हमें भी आपसे फारूक भाई बेहम तो मोहब्बत है समझे, और इस मोहब्बत को आप लोग ही बरकरार रखिएगा। ये कौन है, ये हमारे साथी है, आपके साथी हैं, आपका नाम क्या है, तमीम, तमीम 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 भाई, तो अब देखिएगा ये यशवंत भागलपुर एक्सप्रेस बड़ा ही भीड़ भाड़ वाला ट्रेन है, अभी देख सकते हैं मोटरी मोटरा सब लदा रहा है यहाँ जोर पट्टे में, आप है कहाँ से, बिहार से, बांका बिहार? बांका, अच्छा बांका जिला से, गांव जाते हैं एक ट्रेन जाते होंगे, यहीं से जाते हैं, अभी यहाँ रहते हैं आपको चेन्नई बेंगलोर डबल डेकर में जर्नी में, हाँ पड़े थे ना, अच्छा चलो मिल लेते हैं, नहीं नहीं सही बात है, तो फारूक भाई हमसे मिलने आए, धन्यवाद फारूक भाई, और भी बहुत सारे लोग मिले थे ट्रेन में और इन्हें पहचानते होंगे, पुष्पा नहीं पुष्पा राज, पटना पटना तो सब सिक्के है ना, ये क्या क्या मिठाई लाई, अरे तो फारूक भाई की मोहब्बत ने मिठाई गिफ्ट किया, धन्यवाद फारूक भाई, हम तो नहीं जरूर जरूर जरूर, अरे तुम्हारे लिए हम एक मिठाई दे रहे हैं, कितना का है भाई, गिफ्ट है, दाम गिफ्ट का दाम नहीं पूछा जाता है, फारूक भाई कहाँ गए, फारूक भाई तो वीडियो काफी लंबा, बहुत ज्यादा लंबा जर्नी है, तो हाँ नहीं नहीं दो सब एक ही पार्ट में आएगा, आपके जैसा बॉडी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, नहीं सवाल है, आपका फिजिक काफी अच्छा है और हम जो है ना भैया थोड़ा सा आपका मतलब हैंड उन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अरे भैया ऐसा फिजिक बिना जिम का नहीं हो सकता है, इसी में जाएगा बैठे बैठे 44 घंटा लेट जाइएगा नीचे, कुछ बिठाने वाला है नहीं तो मेरे पास ले लीजिएगा, नीचे ले जाइएगा, कैसो घर कह दीजिएगा, आप पैसा दे रहे हैं बात समझते कहीं नहीं हो आप लोग, निकल थोड़ी से
शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब हमारी ये अंग एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भेलोर यानी काठपाड़ी जंक्शन। ये एक जिला भी है भेलोर तमिलनाडु का, और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि जुलार पेट्टे की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे रेनीगुंटा की, और इसके अलावा एक और लाइन जाती है यहाँ से रेनीगुंटा चित्तूर तिरुपति के रास्ते, और एक लाइन यहाँ से गई है विलुपुरम की ओर, यानी अच्छा खासा जंक्शन है ये काठपाड़ी जंक्शन। बाकी इसके बाद आएगी रेनीगुंटा तो वहीं मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस गाड़ी में मौसी लोग तो जो आ रहे हैं सो आ ही रहे हैं, इसमें थोड़ा करप्शन भी हो रहा है। 780 रुपये किराया है इस गाड़ी का स्लीपर का, और 250 फाइन यानी लगभग 1050 के आसपास हुआ है। टीटी साहब इस गाड़ी का किराया ले रहे हैं 1200 रुपया, तो गलत है या सही है आप ही मुझे बताइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं रेनीगुंटा में। इस गाड़ी में 30% वो लोग हैं जो सिर्फ ऐसे ही चढ़ गए हैं, टिकट टीटी साहब बनाएंगे इसी के भरोसे में। सर उस पर 1200 रुपए ले रहे हैं आप, 1100 रुपए ले रहे हैं। काठपाड़ी से बनाता है यशवंतपुर से तो 1200 भरना आपका बना दिया तो 1000 रुपया देता है। 1100 भरने के लिए आप हमको हेडेक करते हैं आप लोगों ने। नहीं हम वहाँ देखिए 1200 रुपए देना पड़ेगा यशवंतपुर से। सही है। अच्छा सिंपल खाना सिंपल 100 रुपया 100 रुपया 100 हम देखिए की देवो रोटी चावल दाल सब्जी अचार इतना देवो ना कि पेट भर जाए चाहिए। तनी बढ़िया दिए दो रोटियां तो पूरा भात लेबो तो आला चावल भात है रोटी दे दो खाली भात है कैगो एक के हमने खाली खाबो बाकी तो हम मर चुके 71 नंबर से S2 71। तो पूड़ी रेलवे स्टेशन में लगी हुई है हमारी यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस, और इस ओर से पार हुई है कोई गाड़ी थी रेनीगुंटा जंक्शन। तो यशवंतपुर से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश। स्वागत है आपका आंध्र प्रदेश में, और ये है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रेनीगुंटा जंक्शन। जंक्शन पॉइंट क्यों आपको पता ही है, बेंगलोर की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे विजयवाड़ा की ओर। इसके अलावा यहां से एक लाइन चलेगी गुंटकल की ओर और एक लाइन जाती है यहां से तिरुपति चित्तूर की ओर, और रेलवे के हिसाब से ये आता है साउथ सेंट्रल जोन के गुंटकल डिवीजन में। देख सकते हैं रेनीगुंटा में भी अच्छे खासे लोग इस गाड़ी में सफ़र करने वाले हैं। बाकी रेनीगुंटा के बाद हम आपसे सीधा मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग विशाखापट्टनम में, जो कि आएगा सुबह 9:00 के आसपास। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट। ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग विशाखापट्टनम में। सर आपसे पहले जो आए थे ना सर वो 1200 रुपये लिए थे, आपसे जो पहले आए थे 1200 रुपये लिए, वो पॉइंट सभी पॉइंट लिखे वो यशवंतपुर से लिखे मैं रेनीगुंटा से लिखे। अच्छा रेनीगुंटा लिखे थे 100 रुपया कम। अच्छा इसी यशवंतपुर लिखे से 1200 आपको लिखे आपको लिखे थे बाथरूम में नहीं थे 2 घंटा टीटी आया था तो कौन थे यहाँ बाथरूम तो आकर डिबिल दे रहा है रात भर बाथरूम में काम मतलब तुम्हारे बात अरे स्टील बॉडी आपका छोड़ दीजिए। गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैंस, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए पुष्पराज। फिलहाल सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमारी ये यशवंतपुर भागलपुर अंग सुपर फास्ट लेट हो चुकी है लगभग 1 घंटे के आसपास। तो विशाखापट्टनम देखिए कब तक पहुंचती है, सीधा आपसे मिलेंगे विशाखापट्टनम में। और भैया तनी और तनी सर गाड़ी का पूरा देख लो मिलते हैं आपसे विशाखापट्टनम में। लाइव मिलेगा लाइव मिलेगा एक ब्रिज पर है ब्रिज प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा। विशाखापट्टनम जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी अंग एक्सप्रेस, और ये विशाखापट्टनम का 2 नंबर प्लेटफॉर्म। उस ओर लगी हुई है हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और यशवंतपुर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये अंग एक्सप्रेस पहुँच चुकी है आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर वाइजेक या विशाखापट्टनम जो भी बोलिए। रेलवे के हिसाब से हम आ गए ईस्ट कोस्ट जोन के वाल्टेरी डिवीजन में, और ये गाड़ी यहाँ 20 मिनट रुकने वाली है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ जो गाड़ी आती है उसका रेक रिवर्सल किया जाता है, यानी इस गाड़ी का इंजन जो है वो आगे से पीछे की ओर लगाया जाएगा। हम जाएंगे अब यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में
विजयनगरम भुवनेश्वर की ओर, और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए विशाखापट्टनम क्योंकि एक लाइन तो ये हो गई जिस ओर से हम आ रहे हैं और जिस ओर हम जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है जगदलपुर की ओर। अरे पागल हो रहे क्या है, ऐसा बताता हूँ इसको, तुम बुला के आता हूँ इसको बुला के लेके पहले वाला मेरे साथ है। हाँ पहले वाला मेरे साथ है, किया लाने के लिए इसे बोला। अच्छा वो भी छूट जाता, मैं उसको नहीं छोड़ा। मैंने इस गाड़ी में बहुत दिया हुआ टिकट है, इस गाड़ी में बना लो टिकट नहीं है तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का है? अगर नहीं लेगा हम दूसरों की परवाह करते हैं, अपना नहीं। तकिया लगाइए कुछ कम ले लेंगे। चाय चाय कम लगाइए ले लेंगे। ना ना 50 रुपया 50। अरे 50 में दे दीजिए, 200 रुपया का हो जाएगा। इसका हवा कैसे कम होता है? कम हो गया हवा। अरे भरेगा कैसे? मुंह से फूकने से भर जाएगा ना। काम लगा क्या? तो 50 में दो दो सही तो है, दो ले रहे हम। 50 में नहीं मिलता हमको, करेगा एक लगा 50, तीन लगा 100। ये वाला हमको चाहिए, कितना का है? एक 50 300। ये 300 मिल जाएगा चाहिए? अरे एक का 50 रुपया, तीन लेगा 100 रुपया। हमको चाहिए। अच्छा ये सेंट है? और क्या सोचा? हमको लगा दूसरा कुछ है। बुकलान को तो ऐसे पुलिस वाला नहीं मारता है। अभी जो आप मांग रहे हैं स्लीपर कोच में, अभी आपको पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता है? पुलिस वाला ट्रेन में है ही, विदाउट पुलिस वाला ट्रेन चल कैसे रहा है? थोड़ा भैया पैर मोड़ लीजिए ना, थोड़ा पैर मोड़ जाएंगे। भुवनेश्वर उस ओर लगी हुई है, भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस। गुड इवनिंग मेरे रेल फ्रेंड्स, शाम के 4:10 हो चुके हैं और अब हमारी ये मनोरंजन से भरी यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पहले चलिए थोड़ा पलासा के बाद ही हम इंटर कर चुके थे उड़ीसा स्टेट में। और अच्छा ये भुवनेश्वर आता है उड़ीसा के खुर्दा जिले में, और रेलवे के हिसाब से भी आता है ये खुर्दा डिवीजन में ही ईस्ट कोस्ट जोन के। और अच्छा एक और बात, रेलवे ने कुछ नियम लागू किए हैं जिसे पालन करना बहुत ज़रूरी है यदि आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो कुछ मामूली से नियम है, जैसे यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो गाना नहीं बजा सकते हैं रात में जोर जोर से ट्रेनों में बात भी नहीं कर सकते हैं रात के समय सोते वक्त, ना ही ऐसे और ना ही फ़ोन पर। और यदि आप ग्रुप के साथ सफ़र करते हैं तो रात के 10 बजे के बाद आप शोर नहीं कर सकते हैं। स्लीपर या एसी में आप सफ़र करते हैं तो फिर रात को सोते वक्त आपको सभी लाइट बंद करनी होगी, नाइट लैम्प को छोड़कर। और इतना मोटा मोटा यदि आप चेन पहनते हैं ओरिजिनल तो फिर मत पहनिए, भाई ओरिजिनल है डुप्लीकेट तब सही है। यही सब छोटा मोटा नियम है। इसके बाद ये रुकेगी कटक, उसके बाद भद्रक बालेश्वर, लेकिन हम आपसे सीधा मिलते हैं खड़गपुर में। उड़ीसा की इस राजधानी भुवनेश्वर में एक रेल फैन मिले हैं हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर। आपका नाम क्या हुआ? सितम। और आपका भाई? विशाल। तो सितम और विशाल भाई, क्या अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियो में? आपका कहने का अंदाज अच्छा लगता है। तो धन्यवाद आपका भाई, ठीक है ना? अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा कि मतलब भुवनेश्वर में भी कोई आके पहचान रहा है, कोई मिल रहा है। सितम भाई, हम तो भुवनेश्वर से, हम ब्रह्मपुर से आए। आप ब्रह्मपुर से आए, यहाँ क्या करने आए? इधर से दिल्ली जाने वाले। अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, वो जो ट्रेन लगी हुई है भुवनेश्वर आनंद विहार उत्कल से जाएंगे हम रात को। उत्कल एक्सप्रेस तो बड़ा बेकार ट्रेन है, क्या करेगा पूरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस में सफर किए थे हम, बड़ा ही घटिया ट्रेन है, इतना जगह उसका स्टॉपेज है। उसी आपको पहली बार देखा था। अच्छा उसी ट्रेन में देखे, तो ट्रेन अच्छा है, कोई खराब नहीं, गाड़ी काफी अच्छा है। क्या भ्रमण देखा? भ्रमण देखेगा तो पूरा मुझ जाएगा, लेडीज बेडीज किसी माने मुंह में मुझ देगा। ना बाबू ऊपर वाला जाए लांड दिया तेरा देगा, अरे चौधरा है ऊपर दे 90 रुपये वापस कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक।
खाना खाना ऑपरेशन के लिए मांग रहा। लीजिए लीजिए लीजिए, इलाज कराइएगा, दारू मत पीजिए। सिर्फ सामान बोलते हो सामान, ठीक है ठीक है, ऐसे हम बोले। और ये खड़गपुर का 7 नंबर प्लेटफॉर्म और टाइम देख लीजिए 9:35। और हमारी ये यशवंतपुर भागलपुर सुपर फास्ट यशवंतपुर से लगभग 1855 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है एक समय का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन खड़गपुर जंक्शन, जो कि आता है पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में। लेकिन अब ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन नहीं है, कौन सा बोले तो खड़गपुर गोरखपुर है। और गोरखपुर भी अब नहीं रहेगा, अब हो जाएगा कुछ महीनों बाद हुगली जंक्शन। नंबर वन पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। बाकी यदि अच्छा ये गाड़ी हावड़ा नहीं जाएगी, हावड़ा की जगह रुकेगी डानकुरी जंक्शन, पता है ना आपको? हाँ, तो कलकत्ता वाले यही उतर जाए अच्छा रहेगा। बाकी यदि आपको यहाँ तक इस यशवंतपुर भागलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आएगा डानपुरी जंक्शन, उसके बाद बर्दवान आसनसोल मधुपुर जसीडी झाझा में इसका ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं है लेकिन झाझा रुकती है। और हम आपसे सीधा मिलते हैं क्यूल जंक्शन में, जो कि आएगा सुबह 6:30 या 7 बजे के आसपास। फिलहाल के लिए मेरी ओर से और मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बोंदूरा सबकी ओर से, जितने भी हैं सबकी ओर से गुड नाइट। क्यूल जंक्शन क्यूल का 4 नंबर प्लेटफॉर्म है और समय देखिए 6:19। से गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैंस, हमारी यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के लखीसराय जिले के क्यूल जंक्शन। और रेलवे के हिसाब से हम आ गए दानापुर डिवीजन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन यानी ECR जोन के। और गाड़ी हमारी बिल्कुल राइट टाइम है, बिना किसी देरी के यहाँ क्यूल जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। इसके बाद आएगा अभयपुर, लेकिन मिलते हैं जमालपुर में। और बिहार आते ही ठंड लगने लगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड है बिहार में और कुहासा भी है। तुम कुछ पहना कह नहीं रहे, कुछ पहन। बिहारों के मौसी के बाकी हल है, तो कितना मौसी देख लिए, कन्नड़ा मौसी तेलुगु मौसी भाता मौसी तमिल मौसी, कितना मौसी है तेरा पता छो ट्रेन में ढेरी, 10 गो आ गए सब घर वाली मौसी ना बाहर वाले ले आया दे छो ये जगह मुंगेर वाली मौसी, जमालपुर वाली मौसी। जमालपुर जंक्शन फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी संग एक्सप्रेस की सेकेंड लास्ट स्टॉप, जो कि है जमालपुर जंक्शन। और यहीं पर खत्म करते हैं हम इस अंग एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। दोस्तों हम भागलपुर तो जाने वाले थे, लेकिन ये जमालपुर और रतनपुर के बीच डबलिंग का काम किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी ट्रेन जो है वापसी में कैंसिल कर दी गई है। इसलिए हम भागलपुर नहीं जा रहे हैं, यहीं पर अपनी ट्रेन जर्नी को समाप्त करते हैं। यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद।